कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का इंटरव्यू लिया है, जिसका वीडियो उन्होंने अपने YouTube अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें वो करीब आधे घंटे के इंटरव्यू में पुलवामा हमला, किसान आंदोलन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनुच्छेद 370, जातिगत जनगणना, मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर सवाल किए, जिसमें जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370 को लेकर मलिक ने कहा, मेरी राय है कि वहां के लोगों को जबरदस्ती या सेना से ठीक नहीं कर सकते हैं, वहां के लोगों का दिल जीत कर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उन लोगों को भरोसे में लिया है। आगे पूर्व राज्यपाल ने कहा, मुझे लगता है कि उनके राज्य के दर्जों को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र ने अनुच्छेद 370 वापस लेकर इन्हें केंद्र शासित राज्य बनाया है, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं राज्य की पुलिस विद्रोह ना कर दे। हालांकि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने हमेशा केंद्र सरकार का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने वादा किया है कि वह राज्य का दर्जा वापस करेंगे, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करना चाहिए और वहां चुनाव कराने चाहिए। वहीं पुलवामा हमले को लेकर पूछे गए सवाल पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा हमले को लेकर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि केंद्र ने करवाया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन्होंने इसे नजरअंदाज किया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है। इससे आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि मिलजुल कर रहेंगे तभी देश चल पाएगा, क्योंकि भारत की राजनीति में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक गांधीवादी, दूसरी आरएसएस। दोनों हिंदुत्व के दृष्टिकोण हैं, जिसमें एक अहिंसा और भाईचारे की विचारधारा है, तो वहीं दूसरी नफरत और हिंसा की। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा सोचना है कि हिंदुस्तान देश के दौरे पर तभी चलेगा जब उदार हिंदुत्व के रास्ते पर चलेगा। यह गांधी का दृष्टिकोण था। अगर इसी विचारधारा पर देश चलेगा तभी चल पाएगा, नहीं तो देश का टुकड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमें मिलजुल कर बिना लड़ाई झगड़े के साथ रहना चाहिए। और मैं लिख कर देता हूँ कि केंद्र में दोबारा मोदी सरकार सत्ता में नहीं आएगी।